हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैनिंग के बारे में। समर्स में काफ़ी टैनिंग हो जाती है आपके एक्सपोज एरियाज में, जहाँ जहाँ आपका एरिया एक्सपोज होता है वहाँ वहाँ टैनिंग हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग मैंने एक DIY होममेड स्क्रब तैयार किया है आप लोगों के लिए, जो काफ़ी इफेक्टिव है। आप इसको यूज़ करोगे वंस वीक आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आपके ज़्यादा टैनिंग है तो आप वीक में 3 टाइम्स भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। Get started. सबसे पहले हमें लेना है बेसन। बेसन के बाद हमें लेना होगा एलोवेरा जेल। आप चाहो तो आप होम मेड भी ले सकते हो। यहाँ पर हम ले रहे हैं चावल का आटा। आप देख सकते हो ये आपका इतना फाइन होना चाहिए चावल का आटा। यहाँ मैं 1 टेबल स्पून बेसन लूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ अभी हैंड्स का ही अपना स्क्रब बना रही हूँ। आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पर मैं चावल का आटा भी 1 टेबल स्पून ही लूँगी। फिर यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल ले लूँगी। एलोवेरा जेल आप चाहो तो होममेड भी ले सकते हो। यहाँ पर मैं आर्टिफिशियल वन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो जो घर का प्लांट होता है उसमें से भी ले सकते हो। यहाँ मेरा स्क्रब जो है बिल्कुल रेडी है। मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने हैंड्स के ऊपर दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा पेस्ट है वो कुछ इस तरह दिखेगा आपको तैयार होने के बाद। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा फाइन स्क्रब तैयार हो चुका है। अप्लाई करने में आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। आपका थोड़ा सा ही क्रीमी सा है, काफ़ी अच्छा हमारा ये जो राइस फ्लोर है इसने काफ़ी अच्छा इसको पेस्ट बनाने में हेल्प करा है दोस्तों। देख सकते हो आप इसका जो स्क्रब है उसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो आप कैसी है। तो दोस्तों, अब हम इसको अपने हैंड्स पे अप्लाई करके मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको ऐसे ही सर्कुलर मोशन में अच्छे से अपने दोनों हाथों पे स्क्रब करना है, इससे आपकी टैनिंग रिमूव होगी। तो दोस्तों, इसमें हमने मिलाया है चावल का आटा। चावल का आटा आपको वाइटनिंग ब्राइटनिंग में काफ़ी मदद करता है। आपके सन के टैन को भी रिमूव करता है, स्किन पे जो डर्ट होती है उसे भी कम करता है दोस्तों। धीरे धीरे ये आपको सारी टैनिंग भी दूर कर देता है चावल का आटा, और छोटे छोटे अगर आपकी घमोरियाँ दाने जो हो जाते हैं वो भी इसको कम करता है दोस्तों चावल का आटा। फिर हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बेसन की। तो बेसन भी काफ़ी इफेक्टिव होता है हमारे स्किन के लिए। बेसन से हमारे दोस्तों जितनी भी डर्ट होती है वो रिमूव हो जाते हैं, आपकी डार्क स्किन जो होती है वो रिमूव हो जाती है। और दोस्तों, जितना भी आपका हाथों पर गंदगी होती है, सन टैनिंग होती है, वो सब रिमूव हो जाती है। बेसन में काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर हमने ऐड किया है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है दोस्तों। आपके ये जितनी भी डार्क स्किन होती है उसको डे बाय डे रिमूव करने को आपको हेल्प करता है दोस्तों। यहाँ पर आपकी जो स्किन है वो काफ़ी लाइट हो जाती है, इसलिए हमने इसमें एलोवेरा ऐड किया है। एलोवेरा सूद करता है आपकी स्किन को, काफ़ी अच्छा होता है डार्क स्किन की लिए। एलोवेरा जेल दोस्तों मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को दोस्तों, काफ़ी इफेक्टिव है। एटलीस्ट आपको ये स्क्रब एक बार तो ज़रूर ही ट्राई करना चाहिए वीक में। अगर आपके ज़्यादा टैनिंग हो चुकी है अपने आपके हैंड्स वगैरह पे, तो आप चाहो तो वीक में इसको 3 टाइम्स भी यूज कर सकते हो।
मैंने स्क्रब वॉश कर लिया है। आप देख सकते हो मेरे हैंड्स के ऊपर जितनी भी गंदगी थी वो सब निकल चुकी है। आपको अभी ऐसे ही यूज करना है दोस्तों। धीरे धीरे आपकी जितनी भी हैंड्स पर टैनिंग या डर्ट होगी सब रिमूव हो जाएगी। सो दोस्तों आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रही होगी, आपकी टैनिंग को ज़रूर ये दूर करेगी। दोस्तों काफ़ी इफेक्टिव ये स्क्रब है, प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।